किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी गधे पर सामान लेकर एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाता था। एक वक्त वो शक्कर की बोरी रखकर जा रहा था। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी में जैसे ही गधा पैर रखता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। वो जैसे ही गिरता है, शक्कर पानी में गिरकर घुल जाती है और बोरियों का वजन कम हो जाता है। व्यापारी बची कुची आधी बोरियां गधे पर रखता है। गधा सोचता है, नेचू नेचू, ये चमत्कार हो गया, पानी में गिरते ही बोरियों का वजन कम हो गया। व्यापारी मायूस होकर घर आता है, गधे को पेट भर खाना खिलाता है और गधा खुशी खुशी सो जाता है। दूसरे दिन व्यापारी शक्कर की बोरियां गधे पर रखता है और शहर की तरफ चल पड़ता है। उसे रास्ते में फिर से नदी मिलती है। इस बार गधा जानबूझकर पानी में गिरता है। ऐसे ही वो बार बार नदी में गिरता है और बोरियों का वजन घटा देता है और सोचता है, हा, 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 मेरा मालिक कितना बेवकूफ है, मैं आसानी से उसे रोज उल्लू बना देता हूँ। एक वक्त व्यापारी को शक हो गया। उसने शक्कर की बोरियों की बजाय रुई की बोरियां रख दी। गधा खुशी खुशी बोरियां लेकर निकला। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, वैसे ही गिरने का नाटक किया। वो गिरते ही रुई की बोरियां पानी में भीगकर फूल गई और उसका वजन दुगना हो गया। व्यापारी ने बोरियां उठाकर गधे पर रख दी। गधा चौंक गया और सोचने लगा, अरे ऐसे कैसे बोरियों का वजन दुगना हो गया, बोरियां इतनी वजन कैसे हो गई। उसे बोरियां उठाने में बहुत तकलीफ हुई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हमारा काम हमें वक्त पर कर लेना चाहिए और हमें अपना काम सच्चे दिल से और ईमानदारी से करना चाहिए।